जय हिंद ब्रिगेडियर हेमंत महाजन। पिछले कुछ दिन से धमकियां मिल रही है एयरलाइंस के विमानों को और एयरलाइंस एयरपोर्ट्स को, जिसमें ये बोला जा रहा है कि आपके विमान के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। जैसे ही इस प्रकार का धमकी मिलती है तो तुरंत जो विमान जिसमें बॉम्ब रखा हुआ है उसे चेक किया जाता है, उसको लैंड किया जाता है और उसको अलग जगह पे लेके जाके पूरी तैयारी के साथ बॉम्ब है कि नहीं ये ढूंढा जाता है, जिसमें बहुत देर लगती है। अगर विमान किसी एयरपोर्ट के ऊपर बॉम्ब का धमकी मिलता है तो पूरी एयरपोर्ट को चेक किया जाता है, सभी फ्लाइट्स को रोका जाता है, सभी एयरपोर्ट को लॉक किया जाता है। तो जब इस प्रकार की चीज होती है तो इसमें जो एयरपोर्ट का स्टाफ है उनको एक्स्ट्रा काम तो मिलता ही है, लेकिन जो कुछ घंटे के लिए ही काम करते हैं, यानी कि विमान के पायलट या विमान के कर्मचारी, उनकी बदली करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। अगर आप एक विमान को धमकी देते हैं कि उसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ है तो विमान को डाइवर्ट करके किसी एयरपोर्ट के ऊपर उसको लैंड किया जाता है और चेक किया जाता है, तो ये सब करने में काफी खर्चा होता है, यानी कि रूट बदली किया, अलग अलग एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया, तो 2 से 3 करोड़ खर्चा हो जाता है उस एयरलाइंस का एक्स्ट्रा उसके पहले की रेट के तुलना में। अगर ये इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 5 से 6 करोड़ इतना खर्चा लगता है। अगर उस फ्लाइट को अगर एस्कॉर्ट किया जाता है फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा तो ये खर्चा और बढ़ता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ये देखा गया है कि तकरीबन 120 या 125 इस प्रकार की धमकियां मिली, जिसके कारण या तो रूट बदली करना पड़ा, लैंड करना पड़ा, एयरपोर्ट को चेक करना पड़ा, स्पेशल सिक्योरिटी चेक करने पड़े। तो ये जो खर्चा एयरलाइंस का, गवर्नमेंट का या अपने देश का एक्स्ट्रा हुआ है इस धमकियां मिलने के कारण, ये तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा है। और सबसे खतरनाक या दुर्दैव की बात यह है कि जिन्होंने धमकियां दी उसमें से किसी भी एक आदमी को हम पकड़ नहीं पाए हैं, यानी कि ये जो गुंडे थे, ये बदमाश थे, उनको हम पकड़ नहीं पाए हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार की धमकियां किसने दी होगी। बिल्कुल जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान के एजेंट्स है या चाइना के एजेंट्स है या कुछ दहशतवादी संगठन वगैरह इनके एजेंट्स है या खालिस्तानियों के एजेंट्स है जो हमारे देश का नुकसान करना चाहते हैं, हमारे देश की एयरलाइंस की जो ट्रैफिक है उससे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में विमान से प्रवास करने वालों की संख्या काफी बड़ी है। पिछले साल तकरीबन 15 करोड़ लोगों ने विमानों से अपनी यात्रा की हुई है। आज तकरीबन 3,500 फ्लाइट्स हर दिन लैंड होती है या टेक ऑफ करती है। तो ये जब प्रोग्राम डिसरप्ट हो जाता है तो अर्थात हमारा काफी सारा नुकसान होता है। तो यानी कि ये जो अभी चल रहा है ये एक दहशतवाद का एक नया प्रकार है। पाकिस्तान जो है पहले दहशतवाद करता था बंदूक का, दहशतवाद करता था बॉम्ब स्फोटों का शहरों के अंदर। तो दहशतवाद का जो तरीके है जिससे पाकिस्तान हमें रोकने की कोशिश करता है, इसमें अभी फर्क पड़ रहा है। और इस प्रकार से एयरलाइंस को धमकियां देते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश करना, ये एक नया तरीका सामने आ रहा है। तो अभी ये जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको पकड़ा कैसे जाए? जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो ये पता लगा कि धमकी देने वाले कि जो आईपी एड्रेसेस थे ये सोशल मीडिया के द्वारा थे, यानी कि फेसबुक से आया है, ट्विटर से आया है, और ये एड्रेस पूरे हमारे देश के बाहर के थे। अगर कोई बाहर के देश से कोई इस प्रकार की धमकियां देता है तो इसे पकड़ा कैसे जाए? तो टेक्नोलॉजी और सरकार अभी तैयारी कोशिश कर रही है इन सभी गुनहगारों को पकड़ने की, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। तो ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो अभी इसके साथ किस प्रकार से निपटा जाए? क्या हम यही तरीका पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर सकते हैं? क्या यही तरीका
हम चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हम किसी और दूसरे देश की मदद लेते हुए इन गुनहगारों को पकड़ के उनको सख्त शिक्षा दे सकते हैं? तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इस्तेमाल करके हमारी एयरलाइंस, हमारी एयर इंडस्ट्री और हमारे एयरपोर्ट को हम सेफ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि इस प्रकार की धमकियां मिलेगी हमें। इस प्रकार का जो नया दहशतवाद है, धमकियां देते हुए एयरलाइंस को रोकना, इसे रोकने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेगी और जितने भी गुनहगार थे उनको पकड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। इतना ही नहीं, तो इस प्रकार के अलग अलग तरीके पाकिस्तान या चाइना हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो इसे भी हमने चेक करना चाहिए, या उसे भी हमने काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना नए नए तरीके ढूंढता है। एक एग्जाम्पल देना होगा तो आपको याद होगा कि रेलवे रेलवे लाइंस के ऊपर पत्थर रखे गए थे ताकि रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए। एक रेलवे लाइन पटरी से उतर गई थी क्योंकि वहां पे सेबोटाज हो गया था। तो यानी कि सेबोटाज या घातपात का दहशतवाद भी देश में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए सभी तरीके के इस प्रकार के सेबोटाज या घातपात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जय हिंद।